राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवार को नहीं दिए जाने पर आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता एवं वंचित हितग्राहियों रैली की शक्ल में ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के कार्यालय का घेराव जिला अध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में किया। इसके पूर्व एकात्म परिसर से भाजपा कार्यकर्ता एवं वंचित हितग्राही जनता हाथ में झंडा बैनर व तख्ती लेकर रास्ते भर नारेबाजी करते हुए विधायक सत्यनारायण शर्मा के कार्यालय पहुंची, जहां पहले से ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर रखा था। बावजूद इसके भाजपा नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए बैरिकेड को तोड़कर पार किया। इस दरमियान प्रदर्शनकारी भाजपा नेता कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। आज ग्रामीण विधानसभा के विधायक कार्यालय पर सत्यनारायण शर्मा जी का घेराव इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितना भी पैसा राज्य सरकार के पास में उनको देना है, वह राज्यांश न देने के कारण गरीबों के 18 लाख घर बनना बंद है और वह गरीब के घर नहीं बन रहे, जिसका आंदोलन आज यहाँ पर हम लोग एक घेराव के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञान आकर्षण के लिए आए हैं। सारे वहाँ पर गरीब लोग खड़े हैं बाहर, और यहाँ पर जब प्रदर्शन हो रहा है तो जो घेराव के साथ साथ है कांग्रेस के भी कुछ लोग सामने आकर चाकुओं से कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने लाठियां बरसाई है। यह प्रजातंत्र के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलती। गरीबों का आवास देने का जो आंदोलन है उसको कुचलने का प्रयास अगर इस तरीके से होगा तो भाजपा का कार्यकर्ता इससे भी बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री आवास में जाकर करेगा। गरीबों को जब तक घर नहीं मिलते यह आंदोलन चलता रहेगा। ज्ञापन लेके ही नहीं आए, उसे जाहिर होकर खाली राजनीति करने आए। फिर सत्यनारायण शर्मा जी ने उनसे आग्रह किया, आप अपने तीन राजनेताओं को भेज दीजिए, आपके जो विरोध प्रतिनिधि मंडल जो आए उनमें तीन जो भी वरिष्ठ हो या जो भी जिम्मेदार हो वो आ जाए, उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो वो तीन आदमी भी भेजने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसा प्रतीत हो खाली राजनीति करने आए हैं। पब्लिक समझती है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।